नमस्कार दोस्तों, आईपीएल क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला है जहां 8 टीमें एक दूसरे से खिताब पाने के लिए भिड़ती है, तो वहीं कई बार खिलाड़ी मैदान में आपस में भिड़ते हुए देखे गए हैं। लेकिन आईपीएल के कई मौकों पर ऐसा भी देखने को मिला है कि जब खिलाड़ियों ने मैदान पर विरोधी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के साथ साथ उनकी मदद भी की हो। हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही मुकाबलों के बारे में जहां खिलाड़ियों ने मिसाल पेश की हो। नंबर 5, जब रैना ने पंत को संभाला। साल 2017 के आईपीएल के लीग मुकाबले में दिल्ली और गुजरात के बीच मुकाबला चल रहा था। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 से ऊपर का स्कोर खड़ा किया और दिल्ली की टीम को चुनौती दी, और जवाब में उतरी दिल्ली की टीम ने शानदार शुरुआत की। शतक की ओर बढ़ रहे ऋषभ पंत अचानक ही गलत शॉट खेलने के चक्कर में 97 रन पर आउट हो गए। पंत मैदान में ही इमोशनल हो पड़े, तभी गुजरात के कप्तान सुरेश रैना ने आकर पंत को हौसला दिया और उनकी तारीफ की। रैना के इस जश्न ने हर किसी का दिल जीत लिया। नंबर 4, जब वार्नर ने वापस किया थंपी का जूता। साल 2017 के लीग मुकाबले में गुजरात और हैदराबाद की टीमें आमने सामने थी। हैंड्रिंग्स और वार्नर बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी थंपी की गेंद पर हैंड्रिंग्स ने स्ट्रेट ड्राइव खेला, जिसे रोकने के लिए थंपी ने छलांग लगाई और उनका जूता उतर गया। नॉन स्ट्राइकर एंड से वार्नर रन लेने के लिए भागे, लेकिन उन्होंने थंपी का जूता उठाकर पहले उन्हें वापस किया और फिर अपना रन पूरा किया। इस वाक्य ने मैदान के साथ साथ घर बैठे हर फैन को वार्नर का दीवाना बना दिया। नंबर 3, रहाणे ने सही फैसला लेने में की मदद। साल 2017 के मुकाबले में पुणे और मुंबई का मुकाबला चल रहा था। मुंबई की तरफ से मिशेल मैकलगन शानदार फॉर्म में थे। मैकलगन ने उनटकट की गेंद पर एक शॉट लगाया और गेंद हवा में उड़ते हुए बाउंड्री के बाहर जा ही रही थी कि रहाणे ने एक शानदार कैच लपक लिया। लेकिन अगले ही पल रहाणे ने अपने दोस्त को हाथ उठाते हुए सिक्स का इशारा किया और अंपायर को यह साफ कर दिया कि कैच नहीं है, उनका पैर बाउंड्री से टकरा गया है, इसलिए इसे सिक्सर करार दिया जाए। रहाणे के इस बर्ताव की वजह से पुणे की टीम फेयर प्ले अवार्ड की लिस्ट में काफी ऊपर पहुंच गई थी। नंबर 2, आमला बिना अपील के ही चले गए। साल 2017 के लीग मुकाबले में बेंगलुरु की टीम ने टॉस जीतकर पंजाब की टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया। पंजाब की ओर से बल्लेबाजी करने आए हाशिम आमला और मार्टिन गिप्टिल, लेकिन अनिकेत चौधरी की गेंद पर आमला ने कट लगाने की कोशिश की और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई, जिसके बाद कीपर ने कोई अपील नहीं की, लेकिन आमला ने क्रीज छोड़कर चलने को फैसला ले लिया। नंबर 1, स्टॉक से छूटा था कैच। साल 2018 के लीग मुकाबले में हैदराबाद और राजस्थान के बीच मुकाबला चल रहा था, जिसमें हेल्स ने स्वीप कर मिड ऑन पर शॉट खेला, जहां बाउंड्री पर मौजूद बेन स्टॉक्स ने एक शानदार कैच लपका। लेकिन अगले ही पल स्टॉक्स ने उठकर इशारा कर दिया कि यह कैच ड्रॉप है और गेंदबाज गेंद को फेंकना जारी रखे। तो दोस्तों, ये थे आईपीएल के कुछ शानदार यादगार किस्से, जिसमें दोनों टीमों के खिलाड़ी ने एक दूसरे को मैदान पर सराहा तो वही खेल के प्रति अपने जज्बे को भी दिखाया, जिससे कहीं ना कहीं जेंटलमैन कहे जाने वाले खेल की मर्यादा तो बनी ही रही। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।